तो दोस्तों आज हम जो सीखने वाले हैं, सबसे पहली बात क्या है, आज मैं इस काम्बो का ग्लास चेंज करके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जैसे मेरे पास काम्बो है, इस काम्बो का हम लोग ग्लास कैसे चेंज करेंगे। ग्लास चेंज करने के बाद में क्या होता है कि ये जो हमारी सेपरेटर मशीन होती है, इसके माध्यम से हम लोग ग्लास की कटिंग करते हैं, ग्लास को चेंज करते हैं। और सबसे पहली बात क्या, जो मेरा वीडियो बनाने का आज का मतलब है, वो आज मैं एक बबल रिमूवर, जो नसान कंपनी ने अपना बबल रिमूवर निकाला है, ये बबल रिमूवर छोटा सा बबल रिमूवर आता है, बहुत सस्ता आता है, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास स्पेस भी कम है और दूसरी बात क्या है, पैसा भी कम है, तो दोनों चीजों को मैनेज करता है, स्पेस कम को भी मैनेज करता है और पैसों को भी मैनेज करता है। ये छोटा सा जो बबल रिमूवर होता है 10 से 12 हजार रुपए की रेंज में आ जाता है और इस बबल रिमूवर के माध्यम से हम जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर ग्लास को चेंज कर सकते हैं, ग्लास की पंचिंग कर सकते हैं, उसका काम्बो को कटिंग इस सेपरेटर के माध्यम से करते हैं और पंचिंग हम इसके माध्यम से करते हैं। तो पहले हम लोग आपको पूरा कटिंग करके बताते हैं ताकि आप इसको कैसे यूज कर पाएंगे, सब चीज पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो सर मशीन को, एक बहुत बड़ी मशीन है, जिन लोगों ने मशीन को ले लिया था, उसका पैसा भी चला गया लेकिन बाद में रिजल्ट क्या निकला कि बहुत कम। अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो आप पूरा फुल्ली काम कर सकते हैं। मोहित सर, उन सर को भी भेज दीजिए कि उन्होंने एक समझ लीजिए कि ये जो छोटा सा सेटअप आता है, अगर इस मशीन की बात करेंगे तो ये हमारी जो सेपरेटर मशीन आती है, ये समथिंग 2,000, 2,500, 3,000 रुपए का सेपरेटर आता है, ठीक है, 2,000, 2,500, 3,000 रुपए का सेपरेटर आता है, ठीक है, देखते रहो। तो ये हमारा 2,000, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए का सेपरेटर आता है और ये हमारा 10 से 12 हजार रुपए का बबल रिमूवर आता है। अगर दोनों एक्सपेंस की बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 2,500 रुपए, 12,000 रुपए, तो मतलब कितना हो गया, 12, 14, 15, मतलब 15,000 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा तुमको, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये कटिंग बार मिल जाएंगे, एक ये मैट मिल जाएगी, मैट जो रेड कलर की मैट आती है। अच्छा, ये सब काम करने की हमको जरूरत क्या क्या पड़ती है, सबसे पहले जो लोग ओसी रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं तो ओसी रिपेयरिंग करने के लिए पहले कटिंग वायर चाहिए और जो काम्बो आपके पास जिस कटिंग करने के लिए आएंगे उसके बाद एक ओसी सीट होनी चाहिए, फिर एक रेड कलर के मैट होनी चाहिए जिसमें आप रिपेयर करेंगे ताकि कोई दबाव ना पड़े, उसके बाद ये हमारे पास सेपरेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इससे कटिंग करेंगे, इसको आप क्या करेंगे ऊपर ऐसे रख देंगे, उसके बाद जैसे इसको चालू करेंगे तो ये इसको पकड़ कर लेंगे, पकड़ करने के बाद ये क्या होगा, अच्छी तरह से इसको वेट करेंगे थोड़ा सा गर्म हो जाने का, जब ये गर्म हो जाएगा तभी हम लोग कटिंग वायर की जगह पे यूज करेंगे। ये जो कटिंग वायर आता है दो तरीके का आता है, 4 mm का आता है, 0.4 mm का आता है, एक आता है 0.05 mm का आता है। तो हम लोग जो 0.4 mm का कटिंग वायर आता है उसको ग्लास कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो 0.5 mm का आता है तो उसके माध्यम से हम लोग स्टेच कटिंग करने का यूज करते हैं। जितना पतला होता है वो ग्लास के लिए होता है, जो मोटा होता है वो किसके लिए होता है, टच के लिए होता है। और अगर आप 0.4 वाला यूज करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हमारा ग्लू रिमूवर होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद कॉटन के ऐसे क्लॉथ आते हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्लीन करते हैं। ये जब गर्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। ये ग्लू रिमूवर हल्का सा ले लेंगे, जितने भी हमारे जो कटिंग करने वाले जो पहले फर्स्ट पर्सन होते हैं उनसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनका काम्बो गलत जगह से कट जाता है, मतलब उनके पोलराइज फिल्म कट जाती है, अंदर ग्रीन कलर की जो सीट होती है वो कट जाती है। ये सबके साथ में प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको कभी पोलराइज सीट नहीं कटेगी। बहुत अच्छे से पोलराइज सीट सबसे बड़ा कटने का कारण क्या रहता है कि हमारा जो कटिंग वायर होता है वो ओसी सीट को छोड़ करके सीट में पोलराइज फिल्म में फंस जाता है तो कट जाता है। अगर हम इस सीट के अंदर एक थोड़ा सा ये ग्लू रिमूवर अगर लगा देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा नहीं कटेगा क्योंकि वायर हमारा पहले ओसी को ही खराब करेगा। आप इसको ले लेंगे और इसको हल्का सा आप लगा देंगे, ये क्या है, यही ग्लू रिमूवर है। अब मैं कटिंग करने का आपको सही तरीका भी आज सिखाता हूं कि कटिंग करने का सही तरीका क्या होता है। इसको पकड़ेंगे जरा, इसको पकड़ने के बाद फिर हम लोग इसको क्लीनर को कपड़े के माध्यम से आप ऐसे लगा देंगे, उसके बाद आप इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल
हल्का सा, देखिए तुरंत वायर चला है क्योंकि इसके अंदर वो लिक्विड लगा होता ना, तो लिक्विड क्या होता है तुरंत अंदर कटिंग कर देता है, जैसे कटिंग कर देता तो हमारा वायर क्या हो जाता है, फट जाता है। फिर ऐसे फिर कटिंग करते समय आपको स्पेस लंबा नहीं रखना, ये दोनों हाथों की हेल्प लेनी है, मशीन छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों हाथों की हेल्प लेनी है बस। अब यहाँ पर आपको उतना ही कटिंग करना है जितना वायर काटे, तुमको ताकत नहीं लगाना, बहुत लोग ताकत लगा देते हैं, ताकत लगाने से क्या होता है वायर टूटता भी है, डिस्प्ले भी टूट जाती है, ऐसा प्रॉब्लम आता है। अच्छा कटिंग करने का एक और नियम, आप हमेशा एक ही तरफ से ताकत लगाएंगे, मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ से काटेंगे, ये बहुत गलत तरीका है। आप एक तरफ से कटिंग करेंगे ऐसे, फिर ढीला करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर ढीला करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, जैसे हम लोग लकड़ी को आरी से काटते हैं, एक तरफ टाइट फिर ढीला फिर टाइट फिर ढीला, ऐसा करने से क्या होता है जो हमारे अंदर का लिक्विड होता है वो एक जगह नहीं सिमटता, वरना लिक्विड एक जगह सिमट जाएगा तो आपके इसमें धब्बा आ जाएगा, चंदा मामा आ जाएगा, फिर चंदा मामा नहीं निकलेगा, फिर ग्रहण बन जाएगा वो फिर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। अगर दोनों तरफ से कटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इधर से किया इधर से किया इधर से किया इधर से एक्स की तरह काटना है इसे, और वायर उतना ही चलाना है तुमको जैसे तुलसीदास की तरह सरंगी बजाते रहना है, मतलब ताकत नहीं लगाना, जितना कट रहा उतना कटने दो। सबसे ज्यादा उन लोगों से प्रॉब्लम आती है जो लोग यहाँ पर ताकत लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम ताकत का नहीं है, यहाँ पर काम ट्रिक का है। जब तक छूट न जाए तब तक आप उसको एक बार दो बार वायर को फिराते रहेंगे। अब आपने क्या कर दिया इसकी कटिंग करो, कटिंग करने के बाद इसको आप क्या करेंगे साफ करेंगे, ये ऐसे जब गर्म होती है तो पकड़ लेता है, यहाँ पर आप इसको धीरे धीरे करके ऐसे करते रहेंगे तो देखिए निकलता रहेगा, पूरा निकल रहा है, ये जब गर्म रहेगा ना तो तुरंत निकल आता, देखिए ये हमारी ओसी बननी होती है। आराम से ऐसे करते रहेंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको क्या कर लेना है अच्छे से क्लीन कर लेना है। जब आपका अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो आपको ये पंचिंग अच्छा होगा, हम लोग क्या करेंगे उसको साफ करेंगे। अच्छा गर्म में जब हम साफ करेंगे तो तुरंत साफ हो जाता है जी। अब इसको साफ करने के बाद आप इसको अलग रख लेंगे। अब आपको क्या करना है एलसीडी को भी साफ कर लेना है। ज्यादातर 95% रीजन यही रहता है कि ग्लास हमारा टूट जाता है और एलसीडी हमारी सही होती है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं। इसको गर्म हो जाएंगे, जब तक गर्म नहीं हो जाएगा तब तक अच्छे से छूटेगा नहीं, जैसे गर्म हो जाएगा तो तुरंत साफ हो जाएगा।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करते हुए लगाएंगे, ताकत नहीं लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर ताकत लगा देंगे तो ताकत लगाने से क्या हो जाएगा, डिस्प्ले आपकी टूट जाएगी, धब्बा आ जाएगा, दबाव पड़ने से खराब भी हो जाएगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। लाइट को प्लग लगा दीजिए, लाइट आ जाएगी, स्टेज आ जाएगी। देखिए तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कपड़े पे लेना होता है, डायरेक्टली इसमें नहीं डालना होता, डायरेक्टली अगर आप इसमें डाल देंगे तो इसमें धब्बा आ जाएगा। क्या जाएगा, एलसीडी में धब्बा आ जाएगा। अब इसको साफ करेंगे। डिस्प्ले साफ करने का तरीका होता है, बहुत लोग होते हैं डिस्प्ले को ऐसे पेंट की तरह करते रहते हैं, तो उधर की गंदगी इधर, इधर की गंदगी उधर, ऐसा नहीं करना। आपको एक ही तरफ को मूव करना है ऐसे, ताकि जितना साफ हो जाए तो उतना साफ होता जाए परमानेंटली ऐसे। ऐसे ऐसे वाला काम नहीं करना, एक ही साइड को साफ करना होता है। इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर वे में क्लीन हो जाएगा। तो जितना साफ होता जाएगा तो उतना आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा। इससे गंदगी इधर का उधर, उधर का इधर ऐसे नहीं होती। जनरली सब लोग होते हैं कटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ी परेशानी आती है पंचिंग करते समय। क्या परेशानी आती है, पंचिंग करते समय वो आपस में चिपकाएंगे कैसे। पहले ऐसा होता था कि टच चलती थी, तो टच चलते समय क्या होता था कि अगर हम लोग पंचिंग ना करें तब भी हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब जितने भी सारे मोबाइल फोन आ रहे हैं तो उसमें 95% मोबाइल फोन कैसे आ रहे हैं, ग्लास आ रहा है। जब उसमें ग्लास आ रहा है तो ग्लास आने का मतलब है कि आपको पंचिंग करना कंपलसरी है। अगर पंचिंग नहीं करेंगे तो उसमें एयर रहेगी, फिर वो प्रॉपर तरीके से एलसीडी टच पर नहीं वर्क करेगी। इसे हम लोग साफ कर लेंगे। कपड़े से करने में रहता है, जो भी होता है सब इसमें कपड़े में चिपक जाता है। अगर ये ओरिजिनल ओसीए लगा होता तो दो बार आप ऐसे हाथ से ही करते आसानी से क्या हो जाता, क्लीन हो जाता। अब आपके एलसीडी पूरी तरीके से क्या हो गई है, साफ हो गई, क्लीन हो गई। आपको एलसीडी को अच्छे साफ कर लेना, इसमें एक भी धब्बा नहीं रहना चाहिए।
ये कपड़ा के बाद क्लोथ है, एक होते हैं अलग कॉटन निकालना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कपड़े के माध्यम लगा ना, अगर वैसे डालते तो अंदर चला जाता, ऐसे कपड़ा सोख लेता है, तो साफ कर लेंगे। उसके बाद जो ग्लास है इसको भी साफ कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वे में क्लीन कर लेंगे। एक बार और अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये जितना आप प्रॉपर अच्छी वे में क्लीन कर लेंगे, ताकि आपके इसमें फिर एक भी बबल्स नहीं आएंगे। उसके बाद जब आप इसको ऐसे क्लीन कर लेंगे, तो इसके आप फिर फेल्कॉन का यूज करेंगे। फेल्कॉन से क्या हो जाएगा, बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी, शाइनिंग के लिए होता है, देखिए है ना, पूरा शाइनिंग का, पूरा शाइनिंग बिल्कुल शाइनिंग। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, इसके चेहरे में इसको भी सर कपड़े में डालेंगे, बिल्कुल कपड़े में डालेंगे, एलईडी में कभी नहीं डालेंगे। अब आप ये लेंगे ओसीए सीट, क्या लेंगे ओसीए सीट। ओसीए सीट में तीन लेयर्स होती हैं। ओसीए सीट को लेने के बाद आप पहले इसका साइज को नाप लेंगे, इसका ये साइज है, फिर उसको साइज नापने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कैंची रहता तो आराम से, कैंची होता तो आप आराम से काट लेंगे। अब उसके बाद इसमें लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको उसे साफ कर लेना, ताकि इसमें हाथ के एक भी जो धब्बे हैं, स्पॉट है, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर इसमें बिल्कुल भी धब्बे स्पॉट नहीं होंगे तो आपकी इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। फिर इसमें लेयर्स होती हैं, सबसे पहली लेयर को आप हटा देंगे, पहली लेयर को हटाने के बाद फिर इसकी सेकेंड अगली लेयर को हटा देंगे। इसके बाद आप इसको ऐसे लेंगे और इसको ऐसे साइड से ऐसे रोलर, अगर आपके पास रोलर नहीं होता तो कोई एटीएम कार्ड है, कोई ऐसा कुछ है तो भी आप उससे कर सकते हैं। मिल गया, ले लीजिए रोलर। इसमें लगा देंगे,
उसके बाद आप ब्लेड से इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको आप इसमें रखेंगे, फिर से एक बार इसको क्लीन करेंगे। क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो एक लेयर होती है, उस लेयर को हम और हटा देंगे। उस लेयर को हटाने से ही हमारी ओसी पन्नी जो है इसमें के बाद इसको लेंगे। वैसे तो हम लोग फ्रेम में लगाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास फ्रेम नहीं है तो हम बिना फ्रेम के ऐसे ही लगा रहे हैं। ऊपर से करके दिखाइए इसको, आप इसको बराबर लेंगे और ऐसे रख देंगे। एक तरफ से ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे, उसके बाद इसको आप ऐसे पकड़ लेंगे। अब आपको पंचिंग करना है। यही पंचिंग करने के लिए हम लोग एक बहुत महंगी मशीन आती है, 25-24 हजार, 30 हजार की मशीन आती है, जिसके माध्यम से हम लोग पंचिंग करते हैं। पंचिंग करने से ऊपर सर खुला रखेंगे, ऊपर तक खुला रखेंगे ताकि पूरे एयर एक तरफ को निकल जाए। पंचिंग करते समय आपको दोनों उंगली को इतना बराबर चलाना है कि जितना दबाव ऊपर से हो उतना दबाव नीचे से हो, और बाकी अब दबाव कितना देना है ये आपका दिमाग सोचेगा, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर इतनी पावर होती है कि गुब्बारे को भी हम पूरी दम लगा कर पकड़ लेते हैं लेकिन फिर भी फूटता नहीं है। क्यों नहीं फूटता? क्योंकि हमारा माइंड उस चीज को महसूस करता है। मशीन इस चीज को महसूस नहीं करती, मशीन पंचिंग ऊपर से आती, नीचे दबाती, ऊपर तक चली जाती है और हमारा क्या हो जाता है? ग्लास टूट जाता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग प्रॉपर वे में धीरे धीरे करके पंच करेंगे। ऊपर से देखो, ऐसे आप करके धीरे धीरे करके आप इसको पूरा पंच कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? इसकी पंचिंग करेंगे। अब ये हमारी पंचिंग हो गई। पंचिंग होने के बाद हम लोग इसको हटाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा एक नसान कंपनी का छोटा सा बबल रिमूवर है। इस बबल रिमूवर में ये देखेंगे, ये ऑन ऑफ के लिए बटन दिया हुआ है, यहाँ पर पावर का सॉकेट लग जाता है, और ये बस इसके अंदर सिलेंडर लगाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सिलेंडर का पाइप आता है उसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। अगर सिलेंडर का पाइप उसके अंदर देखेंगे, सिलेंडर का पाइप डब्बा के अंदर सिलेंडर का पाइप होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा सिलेंडर का पाइप आता है, ये बड़ा वाला हिस्सा सिलेंडर पर लग जाता है, इसका जो छोटा वाला हिस्सा है तो इसको हम लोग इसमें ऐसे लगा देते हैं। आप सिलेंडर से भी इसको हवा दे सकते हो अगर कल को इसका अंदर का खराब हो जाता है, वरना ये जो मशीन है इसके अंदर इनबिल्ट कंप्रेसर लगा हुआ है, छोटा सा मोटर लगा है, वो इनबिल्ट कंप्रेसर है जो हवा भर देता है।
क्या करेंगे, इसको पावर कोड है इसमें आप ऐसे लग इसको लगा देंगे। अब मशीन में क्या करेंगे, पावर देंगे, सप्लाई देंगे, रुक जाओ लगा दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें प्लग लगा देंगे। जैसे आप प्लग लगा देंगे तो मशीन आपकी ऑन हो जाएगी और ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये बबल रिमोट छोटा सा दिया हुआ है। आप इसको ऐसा खोलेंगे तो इसके अंदर बबल रिमोट है, इसके अंदर इतना स्पेस है, इतना बड़ा स्पेस है, पूरा काम्बो चला जाएगा। एक एक करके काम्बो हम लोग पंच कर लेते हैं आराम से ऐसे। उसके बाद हम इस मशीन को थोड़ा सा मैं चलाना बताता हूँ। इसके अंदर देखेंगे ऊपर पैनल दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ करने के लिए, किसके लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, कि ये पैनल के लिए क्या करेंगे, पैनल के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑन करने के लिए। देखे करेंगे, ये हमारा ऑन हो गया है। इसके अंदर ये टेम्परेचर सेट करने के लिए, टेम्परेचर 50 पे अगर आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 तक चला जाएगा। टच वाला दिया हुआ है, हम लोग टेम्परेचर फुल करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट करने का टाइमर दिया हुआ है कि टाइमर कितना लगाना चाहते हो, 12, 15, 20 मिनट, 17 मिनट, ज्यादातर हम लोग बबल निकालने के लिए 5 मिनट का समय रखते हैं। 5 मिनट के बाद अपने मन से सारा बबल निकल जाता है। अब उसके बाद इसके अंदर ये देखेंगे, ये छोटा सा एक दिया हुआ है डिफॉर्मिंग मीटर होता है, जो मीटर क्या काम करता है, शो करता है कितना हमारा पावर चला हुआ है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस मशीन के अंदर हम लोग पावर लेंगे, मशीन के अंदर डालेंगे, खोल दिया, ये काम्बो है, इस काम्बो को इसके अंदर आप रख देंगे, काम्बो को इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, पूरा काम्बो अंदर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जब इसको बंद कर देंगे तो बंद करने के बाद इसमें स्टार्ट का ऑप्शन होता है, जैसे आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा चालू हो जाएगा। ये दिया हुआ ना, हम स्टार्ट किससे करेंगे, ये स्टार्ट वाली बटन दिया हुआ ना, जैसे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते इसमें मशीन चालू हो जाएगी और इसमें 90 तक इसमें प्रेशर भरेगा। देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं, जैसे हवा 90 तक भरेगा, हवा 90 तक भरने के बाद ऑटोमेटिक मशीन कट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का वेट करेंगे। ये देखिए टाइमिंग चल रहा है, 44 टेम्परेचर है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय लगेगा उतना वेट करेंगे और उतने वेट के बाद फिर हमारा ये काम हो जाएगा। 90 तक जैसे हवा बढ़ जाएगी तो अपने मन से मशीन बंद हो जाती है और प्रेशर इसके अंदर भरा रहता है। अगर आप इसको खोलना चाहेंगे तो इसको आप आसानी से नहीं खोल सकते क्योंकि लॉक हो चुका है। हमने इससे पहले मैंने ये वाला काम्बो को पंच किया था, अब हमने फिर दूसरा काम्बो डाला है। तो ये निसान कंपनी की एक छोटी मशीन है, तो जो ऐसे स्टूडेंट है जो अगर मशीन लेना चाहते हैं तो मशीन को परचेज कर सकते हैं। और एक छोटा काम करने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि मतलब इसमें हमारा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सपेंस भी नहीं है और हम इसके माध्यम से मोबाइल फोन में ग्लास को चेंज कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल फोन में ग्लास चेंज करने का 300, 400, 500 रुपये तक लिया जाता है और डिपेंड करता है फोन के ऊपर, कीमत के ऊपर डिपेंड करता है कि आसानी से हम लोग ग्लास को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा बबल रिमोट दिया, ये निसान कंपनी का है और इसी में से सेम इसी तरीके एक एम ट्रायंगल कंपनी का भी आता है। तो दोनों छोटे बबल रिमोट है और भी अब तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो छोटे बबल रिमोट बनाने लगी हैं। अब तो अगर देखा जाए मार्केट में तो जो लोग 50,000, 60,000, 70,000 रुपए की जो मशीन परचेस करते हैं तो ऐसी मशीन को परचेस करने का फिलहाल क्रेज खत्म है। ये पहले टाइम ऐसा होता था, आज से 5 साल 6 साल पहले ऐसा होता था कि लोग पूरी मशीन परचेस करते थे क्योंकि लोगों के पास ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट नहीं थे। अब इतने छोटे छोटे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं, कंपनी ने निकाल दिया है। अगर वो बड़ी जो मशीन आती है 60,000, 70,000 रुपए की मशीन आती है तो उसके अंदर जो पंचिंग का काम होता है उस पंचिंग करते समय कई बार काम को टूट भी जाते हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम पे जो लोग हम लोग पंचिंग हाथ से करते हैं तो हाथ से करने पर हमारा कोई काम वो
नहीं टूटता, क्योंकि हमारे दिमाग को महसूस होता है कि हमको कितना दबाव देना है, जितना दबाव में हमारा कांबो ना टूटे। तो हम लोगों ने पंचिंग करी है कि कैसे पंचिंग होगी, अब 3 मिनट का टाइम हो गया, तब तक हम लोग बाकी आगे वीडियो में आपको देख लेते हैं कि ये आज हमने मशीन के बारे में टोटल कवर किया हुआ है। और इस मशीन के माध्यम से, बबल रिमूवर के माध्यम से हम लोग पंचिंग कर सकते हैं, और ये जो छोटा सा सेपरेटर मशीन आता है, इस सेपरेटर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो इस ये दोनों मशीनों के माध्यम से हम लोग डिस्प्ले टच है, एक रिपेयरिंग कर सकते हैं, एक क्लीनर आता है जिससे हम लोग साफ कर लेते हैं, ये ग्लू रिमूवर आता है, ये कटिंग वायर आता है, इतनी चीज़ों की हमको काम करते समय हमको आवश्यकता होती है। अगर मैं मशीन की बात करता हूँ तो मैं जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हर्ष यादव करके हैं, जिन्होंने मशीन को परचेज किया हुआ है, और इनकी ऑलरेडी पहले मोबाइल फ़ोन की दुकान है, कम से कम 5 साल हो गए, 6 साल हो गए मोबाइल फ़ोन की दुकान है, अपनी मोबाइल फोन की दुकान को चला रहे हैं, और आज यहाँ पर इनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, समथिंग 1 महीना हो गया, 1 महीना 10 दिन 5 दिन या समथिंग ऐसा हो गया है, पूरा कोर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। इनके ऑलरेडी दुकान है, काफ़ी चीज़ें इनको आती थी, उसके बाद ये पूरा न सीख पाने के कारण से, पूरा काम न कर पाने के कारण से इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, और आज अपनी मशीन को परचेज करी, मशीन परचेज करने के बाद बाकी अपना काम को स्टार्ट करेंगे। तो हर चीज बताइए जरा अपने बारे में थोड़ा सा। सर ये मशीन बहुत ही अच्छी है, इसका रिव्यू अभी तो आपने एक फोल्डर देखा था, आज दूसरा रिव्यू आप देखने जा रहे हैं, जो कि अभी वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे इसका भी, क्योंकि हमने तो ये देख लिया है जो आपने उसे किया था इसके द्वारा, ये देखिए ये तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन अभी आपको वीडियो बनाने के लिए एक फोल्डर किया जा रहा है, उसका रिव्यू मिलेगा। तो हम लोग ऐसे कोई भी मशीन होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका रिव्यू बनाने के लिए खुद वीडियो बनाते हैं, खुद सीखते हैं, और जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को किसी कुछ खराब है या बेहतर है कैसा, उसका रिव्यू हम लोग नहीं दे सकते। हर जी आप बताइए अपने कोर्स में क्या क्या सारी चीजें सीख लिया, कितना टाइम हो गया आपको सीखते सीखते? मुझे अभी हुआ है 15 जनवरी को मैं ज्वाइन किया था, अभी मान के चलिए आप 33-34 डेज हो गए मुझे, अभी मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी जितनी सॉफ्ट से मैं कोई चीज बदलना चाहता था, जैसे कि कोई चीज भी करेक्टर हुआ बदल लिया, फोल्डर हुआ बदल लिया, ये सब मुझे करना नहीं आता था, इसीलिए मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है सर। अभी तो मतलब हो चुका है, मुझे सब कुछ आने भी लगा है अच्छी तरह से, बाकी जो भी दिक्कत होती है मैं सर से फोन पे संपर्क कर लूंगा, और सर उसके लिए बताते भी हैं, मैं एक संडे को जाता था कल, तो कोई भी दिक्कत होती है तो सर बता देते हैं संडे को। अच्छा आपको तो कितना समय हो गया मोबाइल फोन की दुकान चलाते चलाते? मुझे सर 27 मार्च 2017 को मेरी दुकान की ओपनिंग हुई थी। 27 मार्च की इनकी ओपनिंग हुई थी, और उसके 2017 उसके बाद दुकान चलाते चलाते अपना काम करते रहे, लेकिन बाद में परेशानी आई कि पूरा काम ना होने कारण से हमको अभाव होता था कि हम पूरा काम नहीं कर पाते थे, जिस कारण से इन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया और अपना सीख करके अपना अच्छी तरीके से काम करेंगे। मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष है ताकि अच्छी तरीके से काम करें। और एक हमारे पास और स्टूडेंट है, इनका भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स काफी हद तक कम्प्लीट हो गया है, और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि सब चीजों को सीख करके अपना अच्छी तरीके से काम करेंगे जाकर के। बताइए सर अपने बारे में। मेरा नाम कुणाल कुमार है, मैं बिहार से हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे कुछ नहीं आता था, एकदम जीरो था, कुछ नहीं आता था, पर यहाँ आने के बाद मुझे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में इतनी जानकारी हो गई है कि मैं अपने शॉप पर रहकर बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, और अगर कोई हेल्प भी अगर मांग सकता है तो मैं दूसरे को भी हेल्प दे सकता हूँ। 1 महीना में मुझे सर इस तरह बनाया। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने भी अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, इस लाइन में बिल्कुल जीरो थे जब मेरे पास सीखने के लिए आए थे, तो कह रहे सर मैं मोबाइल फोन चलाने के अलावा कुछ नहीं जानता, तो क्या मैं अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो मैंने कहा आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जब 7 दिन क्लास करेंगे तो 7 दिन में हम लोग पूरा फुल डे ट्रेनिंग देते हैं, तो फुल डे क्लास में ही इतना कंटिन्यू फ्लो में आप आ जाएंगे, तो आप इस बात को कहने के लिए बात नहीं रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे पास और भी स्टूडेंट है, अहमद अरशद। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और हमने यहाँ बहुत 30 दिन 1 महीना लगभग कोर्स हो चुका है, और हम बहुत अच्छे से सीख सके हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, पहले कुछ नहीं जानते थे सर, अब जानकारी बहुत अच्छी हो गई है, अब हम मतलब अपने दुकान पे कर सकते हैं सर। और एक मिश्रा जी हैं, इनका भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन आधा भी हुआ है फिलहाल, और सॉफ्टवेयर के तौर पर अगर कर रहे हैं, ट्रेसिंग इनका पूरा हो चुका है, अब उस पर प्रैक्टिकल बाकी है, कि मतलब फॉल्ट को प्रैक्टिकली कैसे करना है,
इन्होंने काम करने का तरीका सीख लिया कि मोबाइल फोन में रिपेयरिंग की कैसे जाती है, लेकिन अब हमको खुद करना कैसे है, हम अपने माध्यम से कैसे करेंगे। और ये ऑलरेडी पहले जॉब करते थे, जॉब करने के साथ साथ क्या लॉकडाउन लगा, बहुत सारी जॉब में चेंजेस आए, जहां पर ये 30,000, 40,000, 25,000 रुपए का काम करते थे महीने का, वो काम इनका 10,000, 12,000 पर आकर के सिमट गया। तो इन्होंने बाद में एक साल परेशान होने के बाद फिर अपने लाइफ में डिसाइड किया कि चलो कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज किया जाए, कुछ काम ऐसा दूसरा सीखा जाए जिसकी वजह से फिर हम आगे बढ़ सकें। अगर हमारी लाइफ में कभी जीवन में ऐसा होता, ये ऐसा नहीं होता कि खाली हम ही लोगों के साथ में हो, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में ऐसा कोई है नहीं कि अमीर है तो गरीब नहीं होगा, गरीब है तो अमीर नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव लाइफ में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव के साथ साथ जो आदमी अपने आप को समय के साथ में बदलता रहता है, वही आदमी आगे सफल हो पाता है और सक्सेसफुली अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो सर के साथ में भी ऐसी परेशानी आई, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि सर क्यों ना मैं दूसरा लाइन चेंज करूं और इस काम को सीख करके बढ़िया आगे फ्यूचर को क्रिएट कर सकूं। तो सर आप बताइए, अपने बारे में बताइए आप सर के सब लोगों को। हेलो सर, मेरा नाम आलोक मिश्रा है, मैं घाटमपुर का रहने वाला हूँ, और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी मतलब कि वो किसी भी काम करने के लिए अगर आगे बढ़े तो कभी ये घबराए नहीं, डरे नहीं। अगर किसी का एक काम में आपको सफलता नहीं मिलती है तो ऐसे कोर्स करिए टेक्निकल, जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। इस तरह सर मैं थोड़ा परेशान हो गया था, होजरी का लाइन का काम करता था, उसमें 25-30 हज़ार रुपये तक मैं निकाल लेता था महीने में, लेकिन अचानक ऐसा हुआ है लॉकडाउन की वजह से कपड़े मार्केट में ऐसा डाउन हुआ, तो उससे हमें काफ़ी दिक्कत हुई। उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि क्या करें क्या ना करें, फिर मैंने सर का यूट्यूब देखा, यूट्यूब में सर का बताने का तरीका, अच्छे से समझाने का तरीका, तो हमने कहा कि बहुत से यूट्यूब में ऐसे डाल देते सब लोग लेकिन समझ में नहीं आता है कि पता नहीं कह रहे हैं कि सच है कि नहीं है। तो फिर मैं सर से मिलने आया, सर से मिल के हमें इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सर के पास आया हूँ, ऐसा लगता है कि हम अपने किसी सदस्य के पास आए हैं। तो इस तरह से हमें सर ने इतने अच्छे समझाया, सर ने ये भी तक कहा कि अगर आपके पास नहीं है एक दो दिन चार दिन हफ्ते भर आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो उसी हिसाब से। लेकिन मैं इतना आकर्षित हुआ कि मैंने पहले दिन से आने से तुरंत मैंने ज्वाइन कर लिया सर के पास, और मैंने कहा सर मुझे अच्छे से सिखाइएगा, मैं अच्छी तरह से सीखना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर ने मेरी पूरी हेल्प करी और मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ। और सर ये है कि जो टाइम हमें पता चला था कि 2-3 महीने में जो बच्चे सीखते हैं, तो लेकिन सर ने हमें 20 दिन में काफ़ी कुछ अच्छा सिखा दिया है, और भी नॉलेज लेने के लिए हमें केवल 10-15 दिन का समय लगेगा। लेकिन सर कह रहे हैं अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, आप हमसे फ़ोन करके कॉन्टेक्ट करके, नहीं तो अगर आप पास में हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस धन्यवाद दोस्तों, मैं बस इतना ही। सर के पास एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोबाइल फोन भी खराब मोबाइल फोन भी पड़ा था, तो उसको भी उन्होंने ठीक किया। हाँ, मैं एक मोबाइल फोन था, मेरा दिक्कत हो रही थी, डेड था फोन, तो मैंने उसको सर का वीडियो देखा, फिर उसके बाद सर से पूछता भी गया कि सर ऐसे क्या होता क्या होता, फिर उसको मैंने 2 ही दिन में उसको सेट को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा सर। लेकिन ये है कि हमने उसको बना लिया है, उसके अंदर कैपेसिटर शॉर्ट था, केवल पूरा मोबाइल फोन केवल एक कैपेसिटर शॉर्ट था, उसकी वजह से फोन डेड था। अभी मैंने उसको बैटरी को बूस्ट से चार्ज कर लिया, फिर उसके बाद मोबाइल ऑन हो गया। तो अच्छा लगता है कि जब हम किसी पहले डिवाइस को बनाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इनको 2 दिन हो गया अभी क्लास करते, आज शायद उनको दूसरा दिन है। रुचिन जी हैं, रुचिन जी बताइए सर। सर मेरा नाम रुचिन है, मैं सहारनपुर से आया हूँ। मेरी वजह से तो मोबाइल की शौक थी और मुझे सॉफ्टवेयर और सी आती है कुछ, लेकिन मुझे हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के साथ। तो मैंने सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा और अब मैं आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए हार्डवेयर की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। बाकी रिव्यू बाद में जरूर देना, थैंक यू। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास ये इतना सारा सेटअप है जो आज मैंने आपको दिखाया, 12-14 हज़ार का सेटअप है, इस 12-14 हज़ार के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन करने क्लास को चेंज कर लेते हैं, टच को बदल देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा क्लास पंच हो चुका है। और अगर इसके अंदर हल्के से जैसे ये हमने तो थोड़ा सा अगर कहीं हल्का सा स्क्रैचेस है भी, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हमने पुराना किया है। क्या किया है? पुराना किया है, लेकिन जब इसमें नया करते हैं तो बिल्कुल और अच्छी फिनिशिंग आती है और बेहतर आता है। हम अगर मान लिया इसके अंदर कोई बबल्स रह जाता है,
तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको क्या कर देना, फिर इसके अंदर एक बार डाल देना होता है ऐसे, फिर से डाल देंगे। डाल देने के बाद इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो फिर से मशीन में एयर भरेंगे, एयर भरने के बाद हवा फुल हो जाएगी, तो हवा फुल होने के बाद फिर हमारी इसमें पंचिंग हो जाएगी। 5 मिनट का हम लोग टाइम डिफॉल्ट कर करके रखते हैं, 5 मिनट के अंदर इसमें सारी हवा भर जाएगी और मशीन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये ऑटो कट मशीन है। और मैं मिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास एक और स्टूडेंट है जिनकी ऑलरेडी मोबाइल फोन की पहले से दुकान थी, और उन्होंने समझ लीजिए रिपेयरिंग सीखने के लिए दुकान पे मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए जाते थे। फिर वहां पर ये देखते थे कि वो लोग जो मोबाइल फोन हमारा ठीक करके दे रहे हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन्होंने देखा कि वो ये वाली हॉडगन यूज कर रहे हैं तो अपनी हॉडगन भी वही खरीद लेते थे। अगर वो देखते थे कि बॉर्डियो सेमेटिक कोई यूज कर रहा है तो वो भी ले लेते थे। अगर कोई सॉफ्टवेयर के लिए कोई डोंगल यूज करते थे तो उसको भी खरीद लेते। ऐसा कर करके उन्होंने बहुत सारी चीजों को खरीद लिया, लेकिन बाद में अंत में परेशानी ये हुई कि उन सब चीजों को ना तो यूज कर पाते थे ना काम कर पाते थे, और जो मोबाइल फोन आते थे वो फिर भी बार बार ले करके उन्हीं की दुकान पर जाकर के मोबाइल फोन को ठीक करवाते थे। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि साल दो साल तीन साल उन्होंने अपनी तरफ से पूरा फुल्ली मेहनत किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हाथ में निराशा मिली कि हम पूरा काम फिर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमको पूरा हर एक चीजों को सुकून से नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जिंदगी में काम करने के लिए कोई भी आप काम करेंगे उस काम करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप दिन में 6 घंटे मैथ पढ़ लेते हैं और 6 घंटे फिजिक्स पढ़ लेते हैं और रोज 6 घंटे करके 2 साल पढ़ते रहेंगे तो आप कोई भी टेस्ट को क्वालिफाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब कहीं पर पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको कोई सिलेबस सिखाते हैं, जैसे SSC का है, बैंकिंग का है, या किसी भी चीज का एक सिलेबस बताते हैं। तो उस सिलेबस बताने का मतलब क्या होता है, वो आपको ये समझाते हैं कि आप अगर ये पेपर देने जा रहे हो, टेट का पेपर देने जा रहे हो, या किसी चीज का पेपर देने जा रहे हो, रेलवे का पेपर देने, तो वहां पर आपको क्या क्वेश्चन आएंगे। वहां पर आपको हिंदी मिलेगी, मैथ मिलेगी, फिजिक्स मिलेगी, GK मिलेगी, क्या मिलेगा, जो आपको मिलेगा तो उसी चीज का वो तैयारी कराते हैं और आप उसके लिए तैयार होते हो और काम करने के लिए रेडी हो जाते हो, टेस्ट पास करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो उसी तरीके से क्या है कि इनके सर के साथ में भी 2-2.5 साल ऐसा हुआ। बाद में फिर उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, मेरे पास समथिंग 10-15 दिन हो गया सीखते सीखते। कितने 15 दिन हो गए। बताइए सर अपने बारे में, क्या क्या चीजें आपने ले रखी है। सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार वर्मा है, मैं मऊ से बिलोंग करता हूँ। सर मैं आज इतना सर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लगता था कि मोबाइल का जैसे तुक्का लगा के ही काम कर लेता था, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती थी कि मैं मोबाइल बना रहा हूँ। ग्राहक को तो बना के दे देता था लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। इसलिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जहाँ तक पहुँच चुका हूँ 15 दिन में, लग नहीं रहा है कि मतलब मैं ऐसे कर पाऊंगा, लेकिन आज बहुत अच्छा मतलब काबिल सर ने बना दिया है कि मैं बहुत कुछ अभी काम कर ले रहा हूँ। और 15 दिन के अंदर ही OCA लगाना और सॉफ्टवेयर का बहुत कुछ काम कर पा रहा हूँ अभी। आज हम लोगों ने क्लास में एक मोबाइल फोन था जिस मोबाइल फोन को अनलॉक भी किया, उस मोबाइल फोन के अंदर क्या दिक्कत थी कि वो फोन रिकवरी मोड में नहीं जा रहा था, उसका वॉल्यूम बटन खराब था। तो पहले हम लोगों ने खोल करके उसका वॉल्यूम बटन के कनेक्शन को प्रॉपर ठीक किया, और जब कनेक्शन ठीक हो गया तो उसके बाद फोन हमारा रिकवरी मोड में गया। रिकवरी मोड के बाद वो फोन ऐसे ही फॉर्मेट हो गया, उसमें ना तो डोंगल की कोई जरूरत पड़ी ना सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। वो मोबाइल दो जगह से वापस भी आया, वो दो जगह से मोबाइल फोन वापस भी आया था कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम थी, नहीं लॉक नहीं खुल पा रहा था। तो वो अब लॉक कैसे नहीं खुल पाएगा क्योंकि कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता था, तो बूट की खराब थी और रिकवरी मोड में इसलिए नहीं आता क्योंकि वॉल्यूम बटन खराब थी, बिना वॉल्यूम बटन के सही होकर रिकवरी मोड में जा नहीं सकता, तो ऐसी प्रॉब्लम थी। तो ये आज इन लोगों ने मोबाइल फोन को ठीक किया। और हमारे पास एक और स्टूडेंट है जो हमीरपुर के रहने वाले हैं, ये भी कोर्स कर रहे हैं। इनके भी साथ में लाइफ में बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन बाद में फिर इन्होंने डिसाइड किया, और इनको मेरे पास सीखने के लिए इनके पापा ने बोला कि पिताजी ने बोला, क्योंकि पिताजी बाहर सूरत में नौकरी करते हैं, वो सारी बहुत साल हो गए नौकरी करते करते, तो उन्होंने अपने लाइफ में एक अनुभव लिया। उनको किसी ने बताया कि अगर आप अपने बच्चे को कोई अगर टेक्निकली काम सिखा दोगे तो वो इस तरीके से परेशान नहीं घूमेगा और अपने लोकल क्षेत्र या अपने शहर में रह करके काम कर सकता है। क्योंकि उनके पापा रोज जब ड्यूटी करके आते हैं तो उनको हर एक आदमी यही कहता था कि यार यहाँ कब तक पड़े रहेंगे। आज अगर देखा जाएगा किसी का बच्चा अगर इतना बड़ा हो तो उनके समझ लीजिए पापा 45 साल 50 साल के हैं, लेकिन अपने लोकल में पता क्यों नहीं आ सकते, इसलिए नहीं आ सकते कि उनके हाथ में कोई हुनर नहीं होता। आज वो बहुत बड़ी मशीन चला रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी मशीन वहीं चला सकते हैं, सूरत में ही चला सकते हैं, दिल्ली चला सकते हैं, गुजरात चला सकते हैं,
लेकिन अगर वो अपने हमीरपुर में आके चलाना चाहे, अपने कानपुर में आके चलाना चाहे तो नहीं चला सकते, क्योंकि उतनी बड़ी मशीन नहीं है। और जब वो कारखाना नहीं है तो उनको पैसा नहीं है। वो घर में आने के बाद वहाँ पर 25,000 कमा रहे हैं, लेकिन घर पे आने के बाद जीरो है, अपाहिज हो जाते हैं। लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, तो उनके हाथ में हुनर नहीं है। अगर उनके हाथ में हुनर होता तो आज वो परेशान नहीं घूमते। तो उन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस लिया तो वही चीज बच्चे के साथ में किया, और आज इनको मेरे पास मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स के लिए भेजा हुआ है। ये भी क्लास कर रहे हैं, बताइए सर अपने बारे में। जी नमस्कार सर, मैं कपिल हूँ, हमीरपुर जिले से, ग्राम जलाला का हूँ। यहाँ मेरे पापा ने भेजा है कि मतलब मोबाइल रिपेयरिंग तुम सीख लो। मेरे पापा खर्चा दे रहे हैं और मैं यहाँ आके सर जी के पास सीख रहा हूँ, और मैं कॉम्बो वम्बो बनाना सीख गया हूँ। मोबाइल का हर चीज सर जी ने सिखा दिया है, ऐसे बना कर दिया कि मैं अपना मोबाइल शॉप खोल सकता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल सकता हूँ, स्वयं घर का खर्चा चला सकता हूँ। ऐसा सर जी ने बना दिया है, मैं सर जी का शुक्रगुजार हूँ बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, ताकि आप भी जैसे जो स्टूडेंट है वो मेरे पास सीख करके जब अपना बढ़िया काम करते हैं तो हमें भी संतुष्टि मिलती है या हमें भी अच्छा लगता है। तो और हमारे पास एक उड़ीसा के स्टूडेंट है जो भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का भी फिलहाल कोर्स कर रहे हैं, तो इनको भी समथिंग लोग 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया क्लास करते करते, तो वो भी बताए। सर मैं उड़ीसा से आया हूँ, सर का वीडियो देख के आया, और यहाँ पर अच्छा मतलब जो वीडियो में देखा वही यहाँ पर अच्छा से सीख पाया, और अब तक मैं कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट हो गया है, और हार्डवेयर का अभी चल रहा है, वो भी हो जाएगा कुछ दिन में। और अपने बारे में बताइए सर, आपने भी बड़ी परेशानी लाइफ में झेली है। जी सर, मैं तो बहुत मुश्किल से मतलब हुआ था इसके लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सर ने भी अपने लाइफ में बड़ी परेशानी झेली। उन्होंने बोला है कि सर कम से कम नहीं मैं 22 राज्यों में नौकरी कर चुका हूँ। जी सर, हर जगह अलग अलग स्टेट में जाता था, कभी यहाँ पर 6 महीने काम मिलता था, कभी वहाँ पर 1 महीने काम मिलता था, कभी 4 महीने काम मिलता था, उसके चक्कर में हमको काम ही नहीं मिलता था। तो बाद में फिर मैं अपने घर आ जाता था। हमारा शुरू से इलेक्ट्रिकल लाइन में था, तो मैं कहीं कुछ ठीक करता था, कहीं कुछ ठीक करता था। बाद में फाइनली मेरे हाथ में कोई एक ऐसा प्रॉपर हुनर नहीं था जिसके बेस पर मैं अपनी जिंदगी को लेकर के आगे बढ़ पाऊँ। तो उन्होंने सर ने फिर अपने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, और आज अपने पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स को करने के बाद फिर अपना अच्छा सा बिजनेस करेंगे, और जितनी भी सारी परेशानी है सारी परेशानियों को लाइफ में दूर हो जाएगी, और अच्छे तरीके से सीख करके काम करेंगे। और मैं मिलाना चाहता हूँ, हमारे पास अभिषेक जी हैं। मेरा नाम अक्षय यादव है, मैं करेल मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मैंने आज तक अपना कभी फ़ोन तक नहीं खोला था, और मैं यहाँ आने के बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और थोड़ा बहुत आईसी का काम भी सीख गया हूँ, और जल्दी सीख ही जाऊँगा। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे मोहित सर, राघवेंद्र सर, अमित सर काफ़ी मदद किए हमें नहीं लगता था कि मैं ये मोबाइल का काम कभी सीख पाऊँगा। यहाँ का जो स्टाफ है ये बहुत सपोर्टिव है, और मुझे लगता है मैं बहुत कुछ सीख गया। और मैं मिलाना चाहता हूँ कि इस तरीके से जितने भी सारे मेरे पास स्टूडेंट हैं, आज हम लोगों ने इन सब लोगों को एक एक करके इस मोबाइल फोन का क्लास चेंज करने का मैंने बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हम लोग एक एक करके वीडियो बनाते हैं और एक साथ बनाते हैं, ताकि हम लोग बच्चों को ये दिखाते हैं कि आप जो भी रिपेयरिंग का काम करेंगे कितना बेहतर से बेहतर और कम से कम इक्विपमेंट में काम कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोग इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से अच्छा काम करते हैं, और आज हमने आपको बताया कि कैसे हम मोबाइल फोन के अंदर ग्लास को चेंज करेंगे, इन सब चीजों के बारे में। तो ये हमारा एलसीडी है, ये इसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो रिपेयर हो चुका है, प्रॉपर फर्स्ट क्लास हो गया है। अच्छा, कोई भी मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन में ग्लास को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कर लेंगे ना सभी लोग, कर सकते हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल अच्छी बात है, ताकि आपके पास कल को कोई भी कस्टमर या कोई भी एंड पर मोबाइल फोन आएगा तो आप इन्हीं के माध्यम से आप क्या करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, और इसी तरीके से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो
आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस मशीन के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप लोग मशीन लेना चाहते हो तो ले भी सकते हैं, और अगर इस तरीके से पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं।